हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वाटर जग प्रॉब्लम इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाटर जग प्रॉब्लम के बारे में। वाटर जग प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि यू आर गिवन द टू जग्स, ठीक है। आपके पास दो जग्स होंगे और एक जग की आप सपोज कीजिए आपकी जो कितने लीटर का जग है, आपके पास एम लीटर का जग है, दूसरा जग जो है वो एन लीटर का है। दोनों जग्स इनिशियली हमारे पास बिल्कुल खाली हैं और जग्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारे जग के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। हमें इतना सिर्फ आइडिया है कि हमारे पास दो लीटर का जग होगा तो उसके अंदर दो लीटर ऑफ वाटर जो है वो अगर कम्प्लीटली फिल है टू लीटर्स ऑफ वाटर होगा। बट हाँ, अगर टू लीटर से कम होगा तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मार्किंग गिवे नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ लीटर ऑफ वाटर हमने उस जग के अंदर हमें डालना है, ठीक है। और वो हमें विदाउट, अगर हमें मार्किंग गिवे नहीं है तो वो हम किस तरह से करेंगे, यही हमारे लिए बेसिक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग जो भी इनिशियल स्टेट से जहाँ पे हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, जैसे हमारे पास इनिशियली जग के अंदर कोई वाटर नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो वो हमारी स्टेट से रिप्रेजेंट करेगा कि जग के अंदर वाटर है नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक्स और वाई। दो स्टेट्स जो हैं यहाँ पे सर्च स्पेस है तो वो रिप्रेजेंट करेंगी, स्टेट्स रिप्रेजेंट करेंगी एक्स और वाई, ठीक है। तो जो एक्स है वो बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारा जग वन के अंदर है, और वाई रिप्रेजेंट करेगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा जो है जग टू के अंदर प्रेजेंट है। तो ये देखिए हमारा जो बेसिक डायग्राम है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर टू लीटर ऑफ जग है, यहाँ पे हमारे पास तीन लीटर का जग है, ठीक है। टू लीटर का जग है, तीन लीटर का जग है, टू लीटर का जग और तीन लीटर का जग है, तो इसके अंदर कोई मार्किंग हमारे पास गिवन नहीं है जिससे हम ये पता लगा लें कि अगर हमारा टू लीटर से कम अगर सपोज इतना वाटर होगा तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि टू लीटर वाले जग के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग की हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम ये कैसे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सपोज कीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको जो ये टू लीटर का जग है और ये आपके पास तीन लीटर वाला जग है, आप क्या चाहते हैं कि टू लीटर वाले जग के अंदर आप एग्जैक्टली वन लीटर जग ही वन लीटर वाटर ही फिल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से फिल करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए आपको क्या कंडीशंस, किस तरह से आप टू लीटर वाले जग के अंदर वन लीटर जो वाटर है वो किस तरह से फिल करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे इनिशियली बताया गया है कि आपके पास एक्स और वाई गिवन होता है। एक्स से आपको पता लग जाएगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका टू लीटर वाले जग के अंदर है, और वाई से पता लग जाएगा कितना वाटर आपका थ्री लीटर वाले जग के अंदर है, ठीक है। इनिशियली अगर दोनों खाली होंगे तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो जीरो जीरो रहेगी, इट मीन्स ना तो जग वन के अंदर कोई वाटर है ना ही जग टू के अंदर वाटर है, ठीक है। और आप अगर ऐसा करें कि तीन लीटर वाले जग को अगर पूरा तरह से कम्प्लीटली फिल कर देते हैं तो उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, जीरो थ्री, कि जो y हमारा लीटर ऑफ वाटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन लीटर ऑफ वाटर हमारा y वाले जग के अंदर है जिसकी कैपेसिटी y लीटर जग को होल्ड करने की है, तीन लीटर को जग तीन लीटर वाले वाटर को होल्ड करने की है। देखिए बेसिक इसमें हो कह रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे x और y गिवन है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा टू लीटर के अंदर है, y रिप्रेजेंट कर रहा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा थ्री लीटर के अंदर है। ये हमारी इनिशियली हम ले रहे हैं कि दोनों खाली हैं, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि अगर मैं थ्री लीटर वाले जग को पूरा फिल कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, जीरो थ्री, मतलब थ्री लीटर वाला जग जो है मेरे पास कम्प्लीटली फिल है, टू लीटर वाला जग बिल्कुल खाली है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली हूँ कि तीन लीटर वाले जग से मैं दो लीटर वाला जो वाटर है वो दो लीटर वाले जग के अंदर डालने वाली हूँ, और बाकी मेरे पास तीन लीटर वाले में से अब कितना रह गया, एक लीटर। एक लीटर जो है वो तीन लीटर वाले जग के अंदर रह जाएगा, दो लीटर जो वाटर है वो दो लीटर वाले जग के अंदर आ गया। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहती हूँ, इस जगह पे मुझे भाई वन चाहिए, मुझे वन चाहिए और इस जगह पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वन चाहिए इस जगह पे कि मैं टू लीटर वाले के अंदर एक लीटर पहुंच जाए। अभी मेरे पास टू लीटर के अंदर टू लीटर ही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस टू लीटर वाले को पोर कर दूंगी, इसको मैं निकाल दूंगी इस जगह से, टू लीटर वाले को मैं निकाल दूंगी और मेरे पास कितना बन जाएगा, जीरो वन, मतलब टू लीटर वाले के अंदर अब कितनी हुए हैं, कुछ भी वाटर नहीं है, और तीन लीटर वाले के अंदर अब एक लीटर वाटर है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक लीटर वाटर को अब डायरेक्टली मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ टू लीटर वाले के अंदर, तो मेरी क्या रेशियो बन जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी, मैं डायरेक्टली टू लीटर वाले जग के अंदर, तीन लीटर वाले के अंदर मेरे पास एक था और इसके अंदर कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाली हूँ कि इस वाटर को यहाँ से एक लीटर को उठा के मैं अब
टू लीटर वाले में पोर कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10। इट मीन्स अब मेरे पास 2 लीटर वाले जग के अंदर 1 लीटर वाटर आ चुका है और 3 लीटर वाला जग मेरा बिल्कुल एम्प्टी है। तो क्या हुआ, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने स्टार्ट किया, मेरी स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेट थी वो मेरी 0-0 रही कि दोनों जग्स में कोई वाटर नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये मेरी इनिशियल थी, इनिशियल स्टेट थी। नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या आई, मैंने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेट में 3 लीटर वाले जग को पूरा फिल किया। नेक्स्ट में मैंने 3 लीटर में से 2 लीटर मैंने 2 लीटर वाले जग में डाल दिया और 1 लीटर बच गया 3 लीटर वाली में। नेक्स्ट मैं चाहती थी इस जगह पे 2 लीटर वाले के अंदर सिर्फ 1 लीटर रहे, तो मैंने 2 लीटर को बाहर निकाल दिया और मेरे पास क्या बन गया, 0-1, मतलब 2 लीटर वाला जग बिल्कुल खाली हो गया और 3 लीटर वाले के अंदर 1 लीटर रह गया। नेक्स्ट मैंने डायरेक्टली 3 लीटर वाले जग को खाली कर दिया और 1 लीटर जो वाटर उसमें था उसको मैंने 2 लीटर वाले में डाल दिया, तो मेरे पास आ गई रेशो 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, जो बीच में वाली स्टेप है वो सारी की सारी इंटरमीडिएट स्टेट थी और मेरी जो लास्ट स्टेट है दैट इज़ फाइनल स्टेट। ये मेरी फाइनल स्टेट है जहाँ पे मुझे पहुँचना था, जहाँ पे मैं चाहती थी कि मेरे पास 2 लीटर वाले जग के अंदर मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर आ जाए। तो मेरी वो कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है, मैंने यहाँ पे जो वाटर जग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है। तो यही था इस वाटर जग प्रॉब्लम के अंदर कि इनिशियल स्टेट जो है वो मेरी कुछ एक्स आई वाई आई रहेगी और फाइनल स्टेट एक्स एफ वाई एफ के अंदर मुझे पहुंचना है। इनिशियल स्टेट में मैंने 0-0 से स्टार्ट किया और मैं लास्ट में 10 पे पहुंच गई, मीन्स कि 2 लीटर वाले जग के अंदर मेरे पास 1 लीटर वाटर अब आ चुका है और 3 लीटर वाला जग बिल्कुल एम्प्टी है, जो कि मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने वो काम कर लिया है। सो इसमें मैंने कुछ ऑपरेशंस लगाए। सबसे पहले जैसे मैंने खाली किया था अपने जग को जिसके अंदर मुझे वाटर चाहिए था, ठीक है, 1 लीटर वाटर चाहिए था 2 लीटर वाले के अंदर, सबसे पहले उसको मैंने खाली कर दोनों को खाली किया। दूसरे टाइम पे मैंने दूसरे वाले जग को कम्प्लीटली फिल किया। तीसरे टाइम पे मैंने उसमें से उसी जितना वाटर पहली वाले के अंदर आ सकता था उतना मैंने निकाल दिया और बाकी उसी में रहने दिया। नेक्स्ट वाले में इसको मैंने पोर कर दिया क्योंकि मेरे को 1 लीटर चाहिए था और 1 लीटर मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिया और मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वर्किंग यहाँ पे इस जग्स में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी कर दिया पहले मैंने जग को, ठीक है, फिर मैंने फिल किया उसमें वाटर, फिर मैंने उसमें सिर्फ वाटर निकाल दिया और लास्ट में मेरे पास जो जग बचा, जग में जितना पानी बचा वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यही बेसिक आइडिया है फ्रेंड्स। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।